नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं YouTube की हिस्ट्री में पहली बार एक रैंप। यहां पे देख सकते हो जिस चीज़ के ऊपर मैं खड़ा हूं ये हमारा रैंप होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो कंसोल भी है यहां पे। तो रैंप का जो पूरा साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 32 फुट बाई 8 फुट का। क्या इसकी कॉस्टिंग आने वाली है, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, कितनी इसमें LED वगैरह मिलती है, कौन सा इफेक्ट मिलने वाला है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डांस फ्लोर, रैंप वगैरह, कंसोल वगैरह इन सब की वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये रैंप को दिखाने को स्टार्ट करता हूँ। तो रैंप आप देख सकते हो, हमारा रैंप का साइज़ आप देख सकते हो कितना बड़ा है। अगर मैं एक रैंप की बात करूँ, एक रैंप वहाँ से लेके यहाँ तक का है 8x4 का, मतलब ये देख सकते हो 8 फुट ऐसे है इसकी और लंबाई है, और ये 4 फुट की अपनी चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पे जो आपको इफेक्ट मिलने वाला है, इसका इफेक्ट आपको मिल जाता है 3D और 5D दोनों इफेक्ट के अंदर आपके जो रैंप है वो चल जाएगा। अभी आप इफेक्ट देख सकते हो, इसमें मल्टीपल जो इफेक्ट है वो हमने लगा रखे। तो पूरा रैंप आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे होने वाला है। रैंप का साइज़ आपको मिल जाता है 32 फुट ऐसे आप देख सकते हो। टोटल हम यहाँ पे हमारे 8 पैनल होने वाले रैंप के लिए, और अगर चौड़ाई की प्रॉपर बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे चौड़ाई हो जाती है आपकी 4+4 मतलब 8 फुट की रहते, तो 32x8 फुट का आपको ये मिल जाता है जो रैंप है। अगर बात करें इसमें देख सकते हो आप किस तरफ से आपको इफेक्ट मिलता है, डेप्थ आप देख सकते हो इसकी, डेप्थ आपको किस तरफ से मिल जाती है। साइड में आपको LED स्ट्रिप्स मिलेंगी, LED स्ट्रिप जो आपकी यहाँ पे 3D होने वाली है और 5D होने वाली है। तो RGB यहाँ पे LED हो गई, साथ में आपको इसके साथ सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, कंट्रोल्स वगैरह जितने भी इसके अंदर हैं, आपको मेमोरी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, सप्लाई मिलेगी, साथ में आपको मेमोरी कार्ड, कंट्रोलर वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको ये भी इफेक्ट मिल जाता है। अगर मैं आपको बात करूँ प्रॉपर पूरा रैंप देखो किस हिसाब से आपको चलता हुआ मिलेगा, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा पर स्क्वायर फुट की, मतलब एक स्क्वायर फुट की आपको क्या रेट इसमें मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा रैम चाहो, जितना चौड़ा चाहो वो अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग आती है पर स्क्वायर फुट की वो आ जाती है 1200 रुपये स्क्वायर फुट होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, टोटल जो हमारा एक ये रैम्प है, एक पैनल है रैम्प का, ये अपना होने वाला है 8x4 का, मतलब ये 32 स्क्वायर फुट का हो गया एक रैम्प। ऐसे अगर आप सारे देखोगे यहाँ पे 8 रैम पैनल्स लगे हुए प्रॉपर जो रैम्प के अंदर, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से कॉस्टिंग निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा छोटा रैम चाहिए, अगर थोड़ा लंबा रैम चाहिए, बड़ा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस रेट को मल्टीप्लाई करके अपना जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर निकाल सकते हो। अभी दोस्तों बात करेंगे आगे चल के कंसोल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कंसोल भी दिखा रहा हूँ जो हमारा 3D इफेक्ट के साथ होने वाला है, काफ़ी अच्छा उसका आपको इफेक्ट जो है वो मिल जाता है। उससे पहले दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर रैंप की इफेक्ट दिखा देता हूँ कि 3D 5D मोड में आपके रैंप जो है वो कैसे दिखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो इफेक्ट्स के हिसाब से इसमें मिल जाते हैं आपको। 5D मोड भी है, 3D मोड भी, अपने हिसाब से आप जो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सो अगेन दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंसोल की तरफ। कंसोल देखते के हिसाब से आपको मिल जाता है उसका क्या प्राइस होने वाला है। कंसोल मेरे फ्रंट साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंसोल जो है वो आ चुका है। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन कंसोल। तो ड्रैगन कंसोल आप देख सकते हो शेप वगैरह आपको कैसी हिसाब से मिल जाती है, और क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिलता है, जो हमारा 3D इफेक्ट है, क्यूब इफेक्ट उसको हम बोलते हैं। वो इफेक्ट आपको दिखेगा साइड से, तो जितने आप यहाँ पे साइड से खड़े होंगे आके उतना ही आपको जो इसका इफेक्ट है उतना शानदार जो है वो दिखता रहेगा। तो इधर से आप देख सकते हो किस हिसाब से आपको जिसका इफेक्ट है वो मिल जाता है। RGB होने वाली है, इसके अंदर भी आपको RGB लाइट्स वगैरह सब मिलती हैं। और आप अगर देखोगे इसका जो एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक आपको एक क्यूब की तरह दिखेगा जो 3D में होता है। तो इस हिसाब से आपको हर एक क्यूब के अंदर RGB लाइट्स मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ आपको इसको इफेक्ट दिखाने की, तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस साइड से आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में 3D क्यूब बन गए हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको इसका इफेक्ट मिल जाता है। अगेन दोस्तों जो यहाँ पे ये हमारा कंसोल है, ये भी दोस्तों प्रॉपर आपको कंट्रोलर्स के साथ मिलने वाला है। इनबिल्ट आपको इसमें कंट्रोलर मिल जाएगा, सप्लाई वगैरह मिल जाएगी, मेमोरी कार्ड लगता है। अगेन इसके अंदर भी काफ़ी आपको इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे आपको ये 45,000 रुपये का एक कंसोल मिलता है, और यहाँ पे वुडन फ्रेम के अंदर ये होने वाला है। साथ में शीट वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, इधर आप देख सकते हो। और अगेन जैसे मैं आपको ये रैंप दिखाया था, तो इसके ऊपर भी आपको ऊपर टफन ग्लास मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सपोर्ट्स वगैरह मिलते हैं प्रॉपर। आप जैसे ये देख रहे हो, ये सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं ताकि अगर इस पर डांसिंग हो रही है या वॉकिंग भी हो रही है, तो इसका जो कैपेसिटी होती है वेट को हैंडल करने की काफ़ी ज़्यादा
बेहतरीन होती है टफन ग्लास की। और फ्रेम आपको इसमें मिल जाता है, जो ये पूरा रैंप है स्टील फ्रेम के साथ आपको मिल जाता है। स्टील यहाँ पे जिंदल की यूज़ करी जाती है। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं रमेश नगर के जो फैक्ट्री है फ्लोर की वहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो प्रॉपर एड्रेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको मैंने कॉस्टिंग बता दी स्क्वायर फीट के हिसाब से, कॉन्सोल की कॉस्टिंग बता दी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो डायरेक्टली आ सकते हैं, नियर बाई मेट्रो रमेश नगर का होने वाला, चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर मत भूलिएगा। मैं अभिषेक आप सभी के लिए इस टाइप की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।